लोकसभा चुनाव पर आज हमारी चर्चा होगी। हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए राजनीतिक विशेषज्ञ विनीत कुमार तिवारी जी हैं। सर, हमारे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अगर विनीत जी, हम गाजीपुर की बात करें, लोकसभा की 3 प्रत्याशी चुनावी मैदान में है, लोग सीधा मुकाबला कर रहे हैं, इसमें नुसरत अंसारी भी हैं, अगर मैं कहूँ चौथा नाम, आप क्या देखते हैं गाजीपुर की राजनीति में इस लोकसभा? देखिए, इस बार की जो राजनीति है वो किसी केंद्रीय नेतृत्व के चेहरे पर नहीं बल्कि लोकल कैंडिडेट के जो चेहरे हैं उन पर ये वोटिंग होने जा रही है। ख़ास तौर पे रोज़गार, महंगाई, इस चीज़ को लेकर के जो युवा त्रस्त हैं उस पर वोटिंग करने जा रहे हैं। और रही बात अगर गाजीपुर के 3 प्रत्याशियों का देखा जाए, तो मैं शुरुआत करता हूँ भारतीय जनता पार्टी के एक प्रत्याशी से। वो श्री पारसनाथ राय जी को हम लोग जानते नहीं हैं, क्योंकि वो बीजेपी के कभी कार्यकर्ता नहीं रहे, बल्कि वो आरएसएस द्वारा थोपे गए एक प्रत्याशी हैं, जबकि गाजीपुर में बीजेपी के बहुत ही कर्मठ कार्यकर्ता हैं। आपके तेज पांडे जी हैं, आपके अरुण सिंह हैं, ऐसे बहुत से लोग हैं जो चुनाव लड़ना चाहते थे, लेकिन उनको टिकट न दे करके और एक आरएसएस के व्यक्ति को जो है यहाँ पर उतार दिया गया। देखिए, गाजीपुर की धरती जो है ये शहीद वीर अब्दुल हमीद, विश्वनाथ सिंह गहमरी, महान क्रांतिकारी जो है सरयू पांडे और महान साहित्यकार राही मासूम रजा की धरती है। इसकी तासीर, मिट्टी की तासीर में नफरत की राजनीति कभी न हुई है, न कोई ऐसा नेता यहाँ चुना गया है जो अपने आप में माफिया हो। बीजेपी प्रत्याशी जो हैं, देखिए, शिक्षा जगत में उनसे बड़ा ये पहले व्यक्ति हैं जिन्होंने शिक्षा जगत में नकल का जनक, जिसको कहा जाए कि नकल के जनक हैं वो, और उनके चलते स्थिति इस ज़िले की ये हुई और युवाओं की ये स्थिति हो गई कि जो लड़के अन्य स्कूलों से भी पढ़े थे सिटी और आदर्श को छोड़ करके, लोग उनको भी उस नज़रिए से देखना शुरुआत कर दिए कि गाजीपुर का लड़का है तो ज़रूर नकल से पास हुआ होगा। उनके कॉलेज में आपको प्रवेश पत्र से, मार्कशीट से लेकर के और आपको TC लेने तक बच्चों के पास पैसे हो या ना हो, चाहे जहाँ से पैसे ला करके दें, लेकिन बिना उसके उनको कागज़ नहीं मिलना है। एक तरफ आपके अफजाल अंसारी जी का एक कॉलेज है MA अंसारी, जहाँ से पढ़े हुए लड़के एक अभिषेक राय जी हैं जो बाल विकास अधिकारी हैं आपके बलिया में, जो PCS हैं, एक IRS है शिव कुमार राय जो दिल्ली में पोस्टेड हैं, लेकिन पारसनाथ राय जी के कॉलेज से पढ़ा हुआ लड़का या तो गौरक्षक बन सकता है या अंधभक्त बन सकता है या कट्टर हिंदू बन सकता है। कोई IAS PCS इस तरह का लड़का वहाँ से न निकला है न कभी निकलेगा। तो जो लोग कह रहे हैं कि अफजाल अंसारी माफिया हैं, जो बसपा के प्रत्याशी, में कल एक साक्षात्कार देख रहा था, आप ही के साक्षात्कार देख रहा था, उन्होंने कहा कि वो असल माफिया हैं। तो बसपा के प्रत्याशी से मैं बस इतना ही पूछना चाहता हूं डॉक्टर उमेश सिंह जी से कि वो पहले तो ये कहें कि मायावती जी ने गलत प्रत्याशी अपनी पार्टी से चुनाव लड़ाया था, उसके लिए जो है मैं बहन मायावती जी की तरफ से माफ़ी मांगता हूँ इस ज़िले की जनता से, क्योंकि ये कह देना कि वो असल माफिया हैं इस ज़िले के उन दलित वोटों का, उन OBC वोटों का, उन मुस्लिम समुदाय के वोटों का, वो उन जनरल कास्ट के वोटों का, मतलब ऐसे कह लीजिए कि पूरे जिले जनपद के जो मतदाता हैं उनके मता उनके जो उन्होंने मत दिया है ये उसकी अवहेलना है, वो उसका अपमान किया जा रहा है उनको सकल असल माफिया बोल करके। तो ये तो पहला काम बंद करें कि जनादेश का अपमान किया जा रहा है जो लोग उनको माफिया बोल रहे हैं। माफिया वो व्यक्ति होता है जो बच्चों के भविष्य से खेलता है, और बच्चों के भविष्य से कौन खेल रहा है? वो नकल माफिया। और वो कॉलेज जो MA अंसारी है, वो गरीब बच्चों को जिनके पास फीस भी नहीं होती है उनको भी वो अब मैनेजमेंट अपनी फीस दे करके पढ़ाता है। अभी आपने देखा होगा कि स्पोर्ट्स के जो है प्रतियोगिताएं हुई थी उसमें ज़िले में टॉप किया था और UP तक के, उत्तर प्रदेश तक के स्पोर्ट्स में खेलने के लिए MA अंसारी के बच्चे भेजे गए थे, लेकिन उसकी बाउंड्री गिरा दी जाती है जो विधायक निधि से बनती है, जिसका पैसा खुद स्वतः सरकार दे रही है, अपना ही पैसा दे करके उनकी बाउंड्री को गिरवाया जाता है। उनको परेशानी जो है अफजाल अंसारी से नहीं, मुसलमान से नहीं, बल्कि मुसल्लम ईमान से है।
तो ये चीज़ें बंद होनी चाहिए कि वो माफिया थे, ये जनादेश का अपमान है। मैं वो सर्वोच्च न्यायालय के एडवोकेट हैं, सुनने में आता है डॉक्टर उमेश सिंह जी, उनको अपनी, मुझे तो उनकी वकालत पे शक होता है कि कहीं वो भी तो सिखड़ी जैसे कॉलेज से पढ़े हुए स्टूडेंट तो नहीं, कहीं वहाँ से तो उनकी मार्कशीट तो नहीं, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने जिनके उस पर रोक लगाया है उसको किस प्रकार से वो जो है माफिया बोल रहे हैं। तो माफिया बोलना ये लोग बंद करें जो है। लेकिन अगर आपने अफजाल अंसारी की बात की, लेकिन मैं कई लोगों के पास गया, लोगों ने कहा कि अफजाल खुद कहते हैं कि मेरी 10-12 साल पुरानी गाड़ी है, मैं चल रहा हूँ, 5 बार मैं विधायक था, 2 बार मैं सांसद था, जो वो कहते हैं अफजाल जी, लेकिन गरीब जनता कह के वो पुकारते हैं क्या? जब तक उन लोगों का वो रसूख था, गरीबों का क्या भला किया, न शिक्षा में या फिर रोजगार तो वो खुद नहीं दिया उन्होंने, माफियागिरी उन्होंने की। देखिए, उन्होंने रोजगार दिया है नहीं दिया, एक सांसद रोजगार नहीं योजनाएं लाता है। बतौर सांसद आप देख लीजिए, मनोज सिन्हा जी भी 2 बार सांसद रहे हैं ना, निकाल लीजिए, 2 बार में उन्होंने कितना काम किया, कितने लोगों को रोजगार दिया, और इनका भी निकाल लीजिए कि ये कितना काम किए। देखिए, सबसे बड़ी चीज़ इस ज़िले की जनता पे जो है, जो 2017 में विधानसभा के चुनाव पे जो इस ज़िले की जनता को जख्म दिया गया था, वो जख्म फिर पारसनाथ राय जो आरएसएस से हैं, मैं बार बार कह रहा हूँ आरएसएस, क्यों आरएसएस कह रहा हूँ इस बात को समझिएगा, कि इसलिए कह रहा हूँ कि 2017 में इस ज़िले के कद्दावर नेता माननीय मनोज सिन्हा जी, मैं उनका व्यक्तिगत रूप से बहुत सम्मान करता हूँ, बहुत ही सम्मान उनका मैं करता हूँ, बेचारे दिल्ली से वो अपना गमछा धोती लेकर के आए, गंगा नहाए, दर्शन किए, बुलाया गया था मुख्यमंत्री बनाने के लिए और उपराज्यपाल बना करके कश्मीर भेज दिया गया, उनकी राजनीति को ही समाप्त कर दिया गया। आप समझ रहे हैं ये क्या किया गया था, ये उनका ही अपमान नहीं था, इस जिले की जनता का, इस गाजीपुर जनता का अपमान था, और इसी अपमान का बदला जो है अब गाजीपुर की जनता लेने जा रही है कि आरएसएस समर्थित प्रत्याशी को यहां से हराने जा रही है और इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी को यहां से जनता जिताने जा रही है। और आपको मैं एक चीज़ और बता दूं, एक आप शायद नहीं जानते होंगे पत्रकार महोदय, जेपी नड्डा जो खुद इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उन्होंने खुद एक इंडियन एक्सप्रेस के इंटरव्यू में कहा है कि अब भारतीय जनता पार्टी को आरएसएस की किसी प्रकार की कोई ज़रूरत नहीं। अब आप इतने से समझ लीजिए कि भारतीय जनता पार्टी का जो कार्यकर्ता है वो भी हतोत्साहित हो गया, क्योंकि उसके बीच का कर्मठ प्रत्याशी न दे करके आरएसएस द्वारा एक कट्टर सोच की, नफरती सोच का प्रत्याशी जो है यहाँ पर उनके पे थोप दिया गया। तो खुद ही भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता उनके साथ नहीं है, आम जनता क्या उनके साथ रहेगी, और बदला वो 2017 का लेने जा रही है जो आरएसएस प्रत्याशी को यहाँ दे करके गाजीपुर की जनता पे थोप करके उसके जख्मों को, 2017 के जख्मों को इस बीजेपी ने हरा करने का काम किया है। आपने गाजीपुर के लोकसभा की बात की, अगर हम थोड़ा सा हट के बात करें, लोकसभा के चुनाव में बीजेपी ने कहा 400 हम सीट लाते हैं, सरकार किसकी बन रही है आखिर? सरकार किसकी बन रही है, एक बात बताइए, ये राम के नाम पे वोट मांगे, काशी कॉरिडोर के नाम पे वोट मांगे ना, कृष्ण जन्मभूमि के नाम पे ये वोट मांग रहे हैं, माँ गंगा के नाम पे वोट मांग रहे हैं, वोट प्रतिशत देखा आपने इस बार क्या पाया आपने? अगली बार से 4% 5% वोट प्रतिशत इनका गिरा है। तो मैं आपसे पूछता हूँ, कहाँ गए राम, कहाँ गए काशी कॉरिडोर, कहाँ गई गंगा मैया, कहाँ गए राम जन्म कृष्ण जन्मभूमि? तो ये मुद्दे खत्म हो गए, ये नहीं चलेंगे मुद्दे। अगर ये चलना होता, बीजेपी ने यही एक्सेप्ट किया था कि हम भगवान राम को ला रहे हैं, तो हमको जनता जो अगली बार 68% वोट दी थी, इस बार हमको 75% देगी, उस जनता ने इनको आज 64% वोट दे के बता दिया कि जनता के मुद्दे मंदिर नहीं है, मस्जिद नहीं है, उसका रोजगार है, उस पर महंगाई है, ये मुद्दे हैं जनता के, शिक्षा है, चिकित्सा है। आप इस चीज़ को सोचिए, हमारे गाजीपुर में हमको क्या मिला? कहते हैं लोग कि मनोज सिन्हा जी ने बहुत विकास किया, मैं मानता हूँ, 3 बार उनको जिले की जनता ने सांसद बनाया, 3री बार ऐसा मौका मिला
कि वो मंत्री बने। उन्होंने क्या काम किया रेल को छोड़ करके, मुझे बता दीजिए। सिवाय रेल को छोड़ करके उन्होंने क्या काम किया? एक मेडिकल कॉलेज खोल दिया गया यहाँ पे। लेकिन यदि हार्ट अटैक आ जाए तो बताइए ज़रा मुझको कि हार्ट अटैक आने के बाद क्या यहाँ पे मेडिकल कॉलेज में आपका इलाज हो सकता है? और क्या हम बनारस 2 घंटे में पहुँच सकते हैं जब हमको कोविशील्ड जैसा वैक्सीन लग चुकी है जिसके हार्ट अटैक आने के बाद आदमी तुरंत मर जा रहा है? तो हमारे यहाँ इलाज की, जो यहाँ का मेडिकल कॉलेज है दिल्ली के मोहल्ला क्लिनिक से भी बदतर है गाजीपुर का। और बताइए किसानों के लिए क्या किया गया? कौन सी यहाँ का किसान जो मिर्ची होती है हमारे यहाँ मटर होती है, उसके रख रखाव का क्या इंतजाम किया गया? कोई इंतजाम किसानों के बारे में सोचा गया? वो बनारस लेके जाता है, जो 100 किलोमीटर लेके जाएगा उसे चाहे जो दाम मिले मंडी में वो किसान बेच करके चला आता है। तो क्या बस 6,000 रुपया सम्मान निधि ही जो है किसान के लिए पर्याप्त है? उसके लिए और व्यवस्थाएं नहीं होनी चाहिए? हाँ, एक चीज़ और कहूँगा कि मैं मनोज सिन्हा जी को बधाई का पात्र देता हूँ, मैं उनको बधाई देता हूँ कि एक काम उन्होंने अच्छा किया कि रोज़गार भले नहीं वो यहाँ पर सृजित कर पाए कि यहाँ का युवा रोज़गार करे, लेकिन वो पलायन अच्छे से कर सके उसके लिए उन्होंने दिल्ली, कलकत्ता, मुंबई के लिए ट्रेनें चलवा दी कि यहाँ का युवा जो है अच्छे से पलायन कर सके। तो यहाँ का युवा पलायन कर रहा है, चाहे वो पढ़ने के लिए हो, चाहे वो इलाज के लिए हो, चाहे वो रोज़गार के लिए हो। आपने मुख्तार अंसारी की अभी जो बात हो रही है हाल ही में, मुख्तार अंसारी पे काफ़ी चर्चा हो रही है पूरे भारत पे, लेकिन लोगों ने कहा मुख्तार अंसारी मसीहा। बीजेपी कहती है नहीं, वो तो डॉन था, लोगों की हत्याएं करवाई, गरीब लोग जो थे उन पर उसने काफ़ी जुल्म ढाए। देखिए, भारतीय जनता पार्टी में बृजभूषण शरण सिंह जैसे लोग सांसद रहे जिस पे पहलवान बेटियों ने यौन शोषण का आरोप लगाया, और भी कई माफिया हैं जो MLC बने हुए हैं जिन पे मुख्तार अंसारी से भी ज़्यादा मुकदमे हैं। ऐसे कई लोग घूम रहे हैं जिनका मैं नाम नहीं लेना चाहता हूँ ऐसा नाम लेकर के, क्योंकि मैं माफियाओं की न राजनीति करता हूँ न मैं माफियाओं पे कोई बात करना चाहता हूँ। लेकिन एक चीज़ और कहूँगा, खुद पे मुकदमे लेके लोग संत बने बैठे हुए हैं तो जनता वो भी देख रही है, ऐसा नहीं है। अब मुख्तार अंसारी को कहा गया यहाँ पर कि वो आतंकवादी था, बीजेपी के प्रत्याशी द्वारा वो जेल से ऑपरेट करता था 10 साल से, केंद्र में किसकी सरकार है, राज्य में 7 साल से किसकी सरकार है, NSA क्यों नहीं लगाया, नोटा क्यों नहीं लगाया, क्यों नहीं लगाया? और अगर वो जेल से ऑपरेट करता था तो ये किस सरकार का फेल्योर है? इसका जवाब भी भाजपा से आपको मांगना चाहिए। और लोकसभा की सरगर्मियों की अगर बात करें तो गाजीपुर ज़िले की क्या तस्वीर इस बार बदल पाएगी? लोकल मुद्दे कभी हावी नहीं रहे, या फिर मैं अगर आपसे पूछूं, एक राजनीतिक विशेषज्ञ हैं आप, काफ़ी करीब से राजनीति को देखते हैं, या फिर ये माफिया में ही उलझ जाएगा ज़िला, कुछ होगा नहीं? देखिए, एक चीज़ बता दें, एक बतौर सांसद अफजल अंसारी जी ने बहुत काम किया है। अगर बतौर सांसद देखा जाए, लोग कहते हैं PMJSY तो केंद्र सरकार की योजना है, तो मोदी जी अपने घर से नहीं ना दे रहे हैं? ये सरकार, ये जनता के टैक्स का पैसा है। अगर वो उस पैसे को ला करके और जिले की रोडों को उन्होंने बनवाया तो ये उनका काम माना जाएगा। मैं बार बार कह रहा हूँ आपसे कि 2 साल माननीय मनोज सिन्हा जी भी सांसद रहे हैं, उनके भी कार्यों को देख लीजिए ना कि बतौर सांसद उन्होंने क्या किया। हाँ, अगर इंडिया गठबंधन की सरकार बनती है उस समय, अगर मेरे ज़िले का उस तरह विकास नहीं होता है तो ज़रूर मैं कहूँगा कि हाँ, अफजल अंसारी जी विकास करवाने में फेल रहे। अगर हम बात करें ओम प्रकाश राजभर की, एक बड़ा फैक्टर भी है गाजीपुर में, और हम जाते हैं तो जो राजभर लोग हैं वो कहते हैं कि हमारे तो नेता ओम प्रकाश राजभर है, क्या उसका भी कुछ बीजेपी को फ़ायदा हो रहा है? देखिए, अब आप इन 3 जिलों का समीकरण समझ लीजिए, गाजीपुर, आपका बलिया और आपकी घोसी। घोसी में भर और भूमिहार 2 जगह हो गए, तो क्या भर नहीं देख रहा है कि भूमिहार वहाँ अलग हो गया? तो क्या वो भर जो है बलिया में जो है बीजेपी को करेगा, गाजीपुर में बीजेपी को करेगा? क्योंकि वहाँ पे भर का ही जो नेता है, राजभर का जो नेता हैं ओम प्रकाश राजभर जी, एक मजे हुए खिलाड़ी हैं।
वो राजनीति को बहुत अच्छे से समझ रहे हैं वहाँ पर कि वहाँ पे भर और भूमिहार की लड़ाई हो गई है। तो एक बात जान लीजिएगा, वो ओम प्रकाश राजभर है, वो किसी से दबता नहीं है। तो ओम प्रकाश राजभर बलिया में भी इनको धूल चटा देगा और गाजीपुर में भी धूल चटा देगा, क्योंकि वो जान रहा है कि वहाँ भूमिहार हमको धूल चटाने जा रहे हैं। तो राजनीति बहुत बदल चुकी है पूर्वांचल की, कौन कहाँ है, किसके साथ है और किसके साथ रह के किसका गड्ढा खोद रहा है, ये तो 4 तारीख को पता चलेगा ना, सब साफ होगा। राम मंदिर, राम मंदिर की बात हो रही है, राम मंदिर पे लोगों ने बहुत सारी बातें भी कही। देखिए, राम मंदिर पे अगर आप कभी गए हैं, जब टेंट में थे रामलला विराजमान, 3 लोग मुकदमा लड़ रहे थे, रामलला विराजमान, निर्मोही अखाड़ा और इकबाल अंसारी। अगर आप गए होंगे जब टेंट में रामलला थे, वो टेंट में ले आने वाला कौन था? ये भारतीय जनता पार्टी, जो उनको टेंट में लेकर के आई, जो प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि टेंट में लाने वाले, तो टेंट में लाने वाले यही थे भारतीय जनता पार्टी। ताला खुलवाने वाले राजीव गांधी थे, उनकी पूजा करवाने वाले राजीव गांधी थे। लेकिन राजीव गांधी किसके तहत थे? न्यायालय के फैसले के तहत। अब आइए सर्वोच्च न्यायालय के फैसले पर। सर्वोच्च न्यायालय ने राम में 5 जजों की नियुक्ति हुई थी, 3 जज ने पक्ष में फैसला दिया रामलला विराजमान के और 2 जजों ने विपक्ष में। उसी प्रकार रामलला की मूर्ति के बाद 2 मूर्तियां और बनाई गईं और वो 3 मूर्तियों में 5 लोगों द्वारा चुनाव हुआ, जिसमें मोदी के रामलला चुने गए। 3 लोगों ने मोदी जी के रामलला को चुना, और सुनिए, मोदी जी के रामलला को चुना ही नहीं, मोदी जी के रामलला को जगन्नाथपुरी में आप देखते होंगे, उतना बड़ा रथ जो है भक्त खींच के ले जाते हैं, लेकिन मोदी के चुने हुए चुनावी राम को ले जाने के लिए उनके भक्तों के पास कंधा भी नहीं था, में इतना दम नहीं था, जो 56 इंच का सीना कहते हैं, उनके भक्तों के कंधों में इतना दम भी नहीं था कि उनकी मूर्ति को उठाकर कंधे पर उठाकर ले जा करके वहाँ रख सकें। उनको भी वो लोग क्रेन से ले गए। और सुनिए, मैं एक दिन रामलला दर्शन करने गया था, मुझे देख के बड़ी वेदना हुई रामलला की को देख कर, रामलला विराजमान को देख करके। वो चुने हुए चुनावी राम जो हैं वो ऊपर बैठे थे और हमारे रामलला विराजमान, जो सर्वोच्च न्यायालय ने जिनको जिताया था, वो उनके कदमों में बैठे थे। तो आप इस बात को समझिए जो है कि जो केस जीता वो नीचे बैठा हुआ है, ऐसा प्रतीत हो रहा था जैसे ऊपर मोदी बैठे हों और नीचे योगी को बैठा दिया गया हो। तो आज भी रामलला कल टेंट में थे, आज रामलला किराए पर हैं। और तो और, ये लोग कहते हैं कि राम राज्य आ गया। राम राज्य जो है तब आता है, तब आया जब राम दरबार लगा था, जहां राम सीता और लक्ष्मण खड़े थे और भरत शत्रुघ्न जो है उनको पंखों से हवा दे रहे थे और कदमों में हनुमान बैठे थे, तब राम राज्य आया था। ये चुनावी चुने हुए मोदी के राम हैं वो। आज भी हमारे रामलला विराजमान जो है किराए पर हैं, इसी का विरोध शंकराचार्यों ने किया था। 4 शंकराचार्यों ने, हमारे 4 पीठ हैं और शंकराचार्य से बड़ा हमारे सनातनी समाज में कोई भी व्यक्ति, हम धर्म के आधार पे कोई बड़ा नहीं है, हम लोग शंकराचार्य को ही अपना भगवान का एक स्वरूप मानते हैं, उनसे मिलने का एक माध्यम मानते हैं। लेकिन उनकी भी बातों को दरकिनार करके, और पता नहीं कैसा मेरा सनातनी समाज हो गया है, मुझे तो कष्ट इस बात का होता है जो अपनी शंकराचार्य की बात को न सुनकर के उसने मोदी को ही शंकराचार्य मान लिया। तो ये सबसे बड़ी दुख की बात है। अब इससे ज़्यादा दुख की बात और क्या बताऊँ। और ये यही पार्टी कहती है गौ माता, कितनी लिंचिंगें हुई हैं आपको मालूम होगा, इकबाल और कौन कौन लोग लिंचिंगों में मारे गए। आज भारत हमारा जो है बीफ निर्यात में 1 नंबर पे है। वो तो छोड़िए, इसी सरकार में आया 1 नंबर पे निर्यात में, वो तो छोड़िए, उसी बीफ कंपनियों से इन्होंने 250 करोड़ की सुपारी ली हमारी गौ माता की हत्या कराने के लिए। आप सोचिए कि जिन बीफ कंपनियों ने 250 करोड़ रुपए का चंदा दिया होगा, उन्होंने हमारी कितनी माताओं को काटा होगा। जिसको ईसाई माँ बोल दे, जिसको मुस्लिम माँ बोल दे,
जिसको सिख माँ बोल दे, है किसी की हिम्मत काटने की उसको? है किसी की हिम्मत? लेकिन हमारी गौ माता आज भी कट रही हैं हमारे कह तथा कथित फर्जी हिंदूवादी सरकार के रहनुमाई, सरकार के रहनुमा में। तो इसी से आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि जो माँ को हमारी काट रहा है उस, और हम सनातनी उसी को वोट अगर दे रहे हैं, तो हम अपनी माँ के हत्यारों को वोट दे रहे हैं। तो मैं अपने सनातनी भाइयों से एक आपके चैनल के माध्यम से हाथ जोड़ करके विनती करता हूँ कि कम से कम अपनी माँ के हत्यारों को वोट ना दो। इस बार उनको सबक सिखा दो कि गौ को वो राष्ट्रीय माता या राष्ट्रीय पशु घोषित कर दें, जिससे हमारी गौ माता की तरफ देखने की किसी की हिम्मत ना हो। गाजीपुर जिले की लोकसभा पर आज हमारी चर्चा हुई और ख़ास मुलाकात आज राजनीतिक विशेषज्ञ विनीत तिवारी जी के साथ। सर, आपने इतना समय दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, आपकी निष्पक्ष पत्रकारिता के लिए आपको साधुवाद।